Hello, my dear kids, welcome back to the Brain Root series by Amit Publishing House. So, children, this is your GK book, and I am Vandana. The name of your book is Knowledge Universe, and this is book 4. So, let's start this book. So, children, let's start with chapter number 1 today, and the name of the chapter is Stay Fit with Yoga. so yes children as you know that yoga is very essential for us for our uh, body to keep fit तो यहाँ पे हमें क्या करना है we have to read this chapter the word yoga is derived from the sanskrit word yuj तो आपको क्या पता है कि yoga जो है कौन से words से आया है yes it is derived from the sanskrit word yuj yuj word है जो एक sanskrit word है उससे आया है Which means to join, जिसका मतलब होता है ज्वाइन करना और यूनिटी यूनिटी को भी बताता है ये मीन्स एक साथ चीजों को ज्वाइन करना द यूनियन बिटवीन द माइंड द बॉडी एंड द हार्ट तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किस चीज को ज्वाइन करना है हमें अपने माइंड को हमारी बॉडी को और हमारे हार्ट को ये सारी चीजें एक साथ एक डायरेक्शन में ज्वाइन हो जाएंगी सो दिस इज कॉल्ड योगा प्रैक्टिस सो ये जो आसन है ये फिजिकल मूवमेंट्स है योगा प्रैक्टिस के बाल आसन और द चाइल्ड पोज इज वन सच आसन सो so बाल आसन एक आसन है जिसे हम चाइल्ड पोज भी कहते हैं और वो भी एक तरीके का आसन है इट अस डेवलप ये क्या करता है हमें concentration को डेवलप करने में हेल्प करता है इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन ये ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है इन द ब्रेन एंड द चेस्ट रीजन सो ब्रेन और चेस्ट रीजन के बीच में ब्लड सर्कुलेशन को यह और अच्छा करता है

बाल आसन सो so, यहाँ पे हम बाल आसन करेंगे तो कौन कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना है लेट्स ये आसन हमें डेली करना है किस लिए स्ट्रांग और हेल्दी बनने के लिए सो ये फर्स्ट स्टेप इज यू को पीछे करके आपको ऐसे बैठना है नाउ आपको अपने हैंड्स को ऊपर करना है और आगे की तरफ झुकना है अब आगे आगे झुकने के बाद आपको क्या करना है 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 हैंड्स हैंड्स को को पीछे लेके लेके जाना है। वापस से को आगे ले आना अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे वापस आना है सो लेट्स रीड वॉट ऑल इज रिटन योर नीज विथ योर फीट टूगेदर एंड हिप्स रेस्टिंग ऑन योर तो आपके जो uh, फीट है वो एक पास होने चाहिए और जो आपके हिप्स हैं वो फीट के ऊपर होने चाहिए सेपरेट योर नीज अबाउट द वे ऑफ योर हिप्स आपके जो नीज है उसको इतना सेपरेट करना है जितना आपका हिप्स का वेथ है प्लेस योर हैंड्स पाम्स डाउन ऑन योर थिक्स आपको क्या करना है अपने हैंड्स को और पाम्स को थिक्स के सपोर्ट में रखना है स्टेप इज़ इनहेल डीपली आपको सांस लेनी है डीप एयर लेना है देन एक्सेल एज यू बेंड फॉरवर्ड और एक्सेल करना है जैसे आप आगे बेंड करते हो एंड डाउन टिल योर फोर हेड और फोर हेड तक बेंड करना है टच इज द ग्राउंड विथ योर टोर्सो प्रेजेंट प्रेसिंग अगेंस्ट योर थे तो अपने सिर को क्या करना है ग्राउंड पे टच करना है जैसा कि स्टेप टू में आपको दिख रहा है नाउ स्टेप थ्री ब्रिंग योर आर्म्स टू योर साइड अपने जो आर्म्स है उसे अपने साइड में लेके आना है विथ योर हैंड्स रेस्टिंग बाय योर फीट नाउ स्टेप फोर क्या कह रहा है ब्रीथ जेंटली जेंटली ब्रीथ करो थ्रू योर नॉस्ट्रेल्स अपने नॉस्ट्रेल से एंड होल्ड दिस पोस्टर फॉर वन और टू मिनट्स और इस पोस्टर में वन या टू मिनट्स तक अपने आप को होल्ड रखना है ब्रीथ जेंटली थ्रू योर नॉस्ट्रल्स एंड होल्ड दिस पोस्टर फॉर वन और टू मिनट्स ना सेलोली रिटर्न टू दाइट नीलिंग पोजिशन अपने वापस से नीलिंग पोजिशन पे आइए विथ योर बैक स्ट्रेट अपने बैक को स्ट्रेट करके एंड योर हैंड्स ऑन योर थेक्स और अपने हैंड्स को अपने थिक्स पे रखे सो दिस वॉज अ वे ऑफ डूइंग बालाई होप दैट यू स्टूडेट चिल्ड्रेन सो यू है